सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो सब बोलो कमेंट में जय माता दी। और मेरी पूजा हो गई है आज, तो मैं सेम चीजें नहीं दिखाना चाहती आप सभी को, नहीं तो आप सब भी हो जाओगे बोर, क्योंकि मैं रोज यहाँ से पूजा से स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं पूजा खत्म करने के बाद ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, ताकि मुझे बहुत लेट भी हो रहा था और आप सब सेम चीजें ना देखो। सो इस ब्लॉग में थोड़ा सा हटके है, एंड आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो ब्लॉग को पूरा देखना है। मेरी पूजा हो गई और कितने लोग हैं जो फास्ट कर रही है आप मुझे कमेंट बताना। तो मेरी पूजा तो हो गई, लेकिन मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ, अपनी माता रानी का दर्शन कराना चाहती हूँ और कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। सो वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो गाइस, मेरी पूजा हो गई है और मैं मिलवाने आ गई आप सबको अपनी माता रानी से। तो ये है मेरी माता रानी, और मैं जो आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। सो ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, आप सबको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो मेरी माता रानी खुश हो रही है एंड मेरा ये चीजें निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। कल देखना, कल थोड़ा सा ज्यादा निकल जाएगा, अभी दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है, क्योंकि अभी लाइटिंग है ना, तो इसकी वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिख रही होगी, लेकिन देखो देखो दिख ही रहा होगा। तो मेरा निकल रह गया, और आप सब अपने घर में लगाए हो, आप सबका निकल गया। सो गाइज, मैं तो यहाँ पे एक पटाखे से परेशान हो गई हूँ, तो काफी ज्यादा पटाखा अभी से यहाँ फूटने लगा है। वैसे परेशान नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादा ही आवाज कर रहा है, डुगू बुगू बहुत ज्यादा, डर रहा है। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई, माता रानी को दिखाने गई आप सबको, और मेरा पानी जो हो कितना गर्म हो गया, तो मैं यहाँ पे पानी चढ़ा के गई थी अपने पीने के लिए। आज दो बार हो गया कि दो बार मैं पानी चढ़ाई और दोनों बार बहुत ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ गिलास में। इतना गर्म पानी पी नहीं सकती, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। एंड आज मैं पहनी हूँ ग्रे कलर का सूट, तो नवरात्रि में जिस दिन जिस कलर का ड्रेस पहनना चाहिए उस कलर का सूट है, तो मैं पहन लेती हूँ और आप सब पहन। गाइस, पूजा हमारा हो गया यहीं पे समाप्त, और मैं आ गई आपको फ्रूट कट करने। तो ये तो नहीं बोल सकती कि भूख लगी है, भूख नहीं लगी है, क्योंकि एक टाइम मैं खाना खाती हूँ शाम को, और सुबह में एक टाइम फलाहार करती हूँ और शाम में एक टाइम खाना खाती हूँ, तो ज्यादा भूख नहीं लगी है। लेकिन सोची कि फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट कर लूंगी। सो मैं आ गई फ्रूट खाने, और मुझे नहीं पता था कि ना, एंड मुझे ना फ्रूट में संतरे खाना बहुत पसंद है, बहुत। तो किन किन लोगों को फ्रूट में संतरे खाना बहुत पसंद है, मुझे कमी नहीं बता। मैं वैसे ऑलमोस्ट सभी फ्रूट खा लेती हूँ, मुझे संतरे बहुत पसंद है। मुझे फ्रूट में संतरे और लीची, ये दोनों बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ। एंड अब तो संतरा का टाइम भी आ रहा है। सो गाइस, मुझे आप सबसे एक कंप्लेन भी करनी है, क्योंकि आप सब बिल्कुल भी मेरे चैनल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रही, तो क्यों कर रहे हो आप सब ऐसा? एंड मेरा बर्थडे आने वाला है, सो मेरे बर्थडे पे आप सब मुझे ये चीजें सरप्राइज क्यों नहीं देते हैं? मुझे दो हजार मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो सोचो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। एंड आज ना माता रानी के मैं ग्रे कलर का सूट पहना था, तो मैं ग्रे कलर का सूट पहना, तो बताओ मैं कैसे लग रही हूँ, लग रही ना प्यारी? तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। सो मैं तो लेके आ गई फ्रूट खाने के लिए, और ज्यादा फ्रूट नहीं है, एक सेब, एक संतरा और एक केला ही है, छोटे छोटे कट के, इसलिए आप सबको बहुत ज्यादा लग रहा होगा। सो आप सब ये मत बोलना कि मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ। एंड गाइज, आप सबको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आप कमेंट करना हमेशा भूल जाते हो, तो प्लीज कमेंट करो। और मैं इस ब्लॉग को लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा लंबा खींच दूंगी तो फिर आप सब देखना पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत छोटा बनाई हूँ। एंड आप सबको अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर की हूँ जो मैं करती हूँ, तो मुझे आप सबको बताना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ना गैप नहीं कर रही हूँ, आप सबको छोटे छोटे ब्लॉग में बता रही हूँ। सो प्लीज आप सब देखना, एंड आप सब नहीं देख रहे हो ब्लॉग ये मुझे लग रहा है, तो प्लीज आप सब ब्लॉग देखना। मुझे पता है आप सब पूजा में बिजी हो शायद, इसलिए मेरी ब्लॉग को नहीं देख रहे हो, लेकिन थोड़ी सी टाइम निकालो एंड मेरी ब्लॉग को देखो, एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हो वो प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करो। पिछले चैत वाले नवरात्रि में मेरा 1000 कंप्लीट हो गया था, तो मैं चाह रही हूँ कि इस नवरात्रि में मेरा 2000 कंप्लीट हो जाए, और वो होगा आप सबकी वजह से। तो प्लीज आप सब सपोर्ट करो, प्यार दो, एंड जय माता दी तो कमेंट में कम से कम आप सब लिख दो। तो अगर आप सब कमेंट में नहीं लिख रहे तो मुझे लग रहा है कि कितने लोग पहले ब्लॉग देखते थे और अब नहीं देखते। सो प्लीज गाइज देखा करो एंड ऐसे प्यार सपोर्ट किया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय।